सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यहाँ पर मेरे पास है 200 ग्राम खोया, इसको मैंने एक बड़ी प्लेट में रखा हुआ है और ये कलर में आपको हल्का ब्राउन दिख रहा होगा क्योंकि ये घर का बना हुआ खोया है। इसे स्मूथ कर लेंगे अपने पाम की हेल्प से, इस तरह से इसे स्मूथ कर लेना है। अब ये खोया स्मूथ हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर है 60 ग्राम पनीर, इसको मैंने ऑलरेडी पहले ग्रेट भी किया हुआ है और इसे भी जिस तरह से हमने खोए को स्मूथ किया है उसी तरह से इसे भी स्मूथ कर लेंगे। अब दोनों चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं। अब ये खोया जो है स्मूथ किया हुआ, इसमें डाल देंगे पनीर। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 कप रिफाइंड फ्लावर और 2 बड़े चम्मच सूजी, इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इन सभी को दोबारा से स्मूथ कर लेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं इसको 2 से 3 बार इसको स्मूथ करूंगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट मिक्सचर रेडी हो जाए। अब ये देखिए ये सारा मिक्सचर स्मूथ हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर है थोड़े से नट्स जिसमें हैं काजू, बादाम और किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी, और इन सभी को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ये मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया था 1 बड़ा चम्मच, मिक्स कर लेंगे और डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, और डालेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, और इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काला जामुन के फिलिंग का मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये मिक्सचर लेंगे थोड़ा सा और इसे पहले राउंड बॉल बना लेंगे और फिर फ्लैट कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ये फिलिंग और इस तरह से इसे बंद कर देंगे और फिर से राउंड बॉल बना देंगे। और ध्यान रखें ये मिक्सचर जो है वो बाहर ना निकले, और इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। और साथ में ही अब चाशनी को बनने के लिए रख देंगे और साइड पे देसी घी को गर्म करने के लिए रख देंगे। और पैन में डालेंगे 2 कप चीनी और 4 कप पानी। मीडियम फ्लेम पे चाशनी को रेडी कर लेंगे। अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ और अब यहाँ पर घी गर्म हो चुका है और घी ध्यान रखें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। और अब इसमें ये डाल देंगे और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, बस इसी तरह का हमें गर्म टेम्परेचर चाहिए। और इसे स्पून की हेल्प से इस तरह से लगातार हिलाते रहें, ऑयल इस तरह से उसके ऊपर डालें ताकि इवन कलर इनके ऊपर आए। गुलाब जामुन से बस इसमें थोड़ा सा यही फ्राई करते वक्त डिफरेंस है कि इनको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना होता है। अब ये देखिए प्रॉपर काला जामुन का कलर ये आ गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर चाशनी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, चीनी घुल चुकी है और ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, पानी जैसा नहीं है। आप 1 चम्मच में थोड़ा सा निकालें और इसको थोड़ा हल्का सा ठंडा होने दें और फिर इसे चेक करें तो आपको ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं लगेगा, हल्का गाढ़ा लगेगा, पर इसमें कोई तार की चाशनी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चाशनी तो हो गई रेडी। अब जो फ्राई किए हुए जामुन हैं उनको इसमें डाल देते हैं और ऊपर से इसको ढक कर रख देंगे
और 15 मिनट बाद मैं आपको एक बार हिला दूंगी, बीच बीच में इसे इसी तरह से हिलाते रहें। आधा घंटा हो चुका है ये सोक होते हुए, आप इनको एक बार देख लेते हैं, आधे घंटे में प्रॉपर सोक हो जाते हैं। ध्यान रखें कि आपकी चाशनी जो है वो प्रॉपर गर्म होनी चाहिए, नहीं तो सोकिंग नहीं हो पाएगी। आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर सोक हो चुका है और ये काला जामुन बनकर तैयार है।